एक ममेरा भाई 4 साल तक भुआ की लड़की के साथ करता रहा रेप, और फिर दोस्तों ममेरे भाई की बहन ने ही करवाया था यह रेप। आखिर ऐसा क्या हुआ जो घर के घर में ऐसा करते हुआ? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना बिहार के औरंगाबाद की है, जहां पर रूपा नाम की एक लड़की रहा करती है जिसकी उम्र 19 साल है। रूपा जो नाम है बदला हुआ नाम है दोस्तों। वह अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ आराम से रहा करती है, पढ़ाई लिखाई कर रही है, और जब छुट्टियाँ पड़ती हैं तो छुट्टियाँ में वह कहती है अपनी मम्मी से कि मम्मी मैं मामा के घर जाना चाहती हूँ छुट्टियों को बिताने के लिए। दोस्तों उसके घर वाले उसको मामा के घर भेज देते हैं छुट्टियों में, और मामा के घर जाने के बाद वहाँ पर उसके मामा का लड़का होता है जिसका नाम होता है प्रीतम, जिसकी उम्र 20 साल होती है, और उसकी एक मामा की लड़की भी होती है। तो दोस्तों मामा के घर में मामा का लड़का मामा की लड़की भी होती है, आराम से वह छुट्टियाँ बिता रहे होते हैं। तभी क्या होता है, एक दिन उसके मामा की लड़की उसको खाने में कुछ नशीली चीज़ मिलाकर खिला देती है और वह बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसके मामा की लड़की उसके मामा के लड़के के साथ कहती है कि इसके साथ संबंध बनाओ। फिर उसके मामा का लड़का जिसका नाम प्रीतम होता है वह उसके साथ संबंध बनाता है, और दोस्तों अब जब उसकी आँख खुलती है तो उसे कुछ महसूस होता है। वह अपने मामा की लड़की से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, और अपने मामा के लड़के के साथ भी उससे भी कहती है। लेकिन उसके मामा का लड़का प्रीतम ये कह देता है कि हमने जो भी कुछ किया ठीक किया, और अब हम बार बार तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे, और अगर तुम मना करोगी या किसी को बताओगी तो हमने तुम्हारी वीडियो बना ली है, इस वीडियो को हम वायरल कर देंगे। दोस्तों इस बात से जो रूपा होती है वह डर जाती है, और फिर वहाँ पर वही सिलसिला रोज़ रोज़ का स्टार्ट होता है। जब तक वह अपने मामा के घर रहती है तब तक रोज़ रोज़ उसके मामा का लड़का उसके साथ संबंध बनाया करता है, और उसके मामा की लड़की इस बात को प्रिविलेजेस यानी कि संबंध बनवाने में मदद किया करती है। दोस्तों अब क्या होता है, अब छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं और रूपा अपने घर वापस आ जाती है। अब घर पर जो मामा के घर में जो लड़का था प्रीतम वह अकेला रह जाता है। उसको लगता है कि अभी भी रूपा यहाँ पर आनी चाहिए। अब क्या होता है दोस्तों, प्रीतम अपने भुआ के घर जाता है और जाकर कहता है कि भुआ मम्मी बीमार है, रूपा को तुम मेरे साथ भेज दो, मम्मी ने बुलाया है। दोस्तों जो भुआ होती है वह अपनी लड़की रूपा को फिर से मामा के लड़के प्रीतम के साथ भेज देती है, और मामा का जो लड़का होता है प्रीतम वह रूपा को बाइक पर बिठाकर अपने गांव की तरफ चलने लगता है, और एक कच्चा रास्ता होता है वहां से गुजरना पड़ता है। वहीं पर खेतों में एक कमरा बना हुआ था जिसको ट्यूबवेल का रूम कहते हैं। दोस्तों वहां पर वह बाइक रोक देता है और अपनी भुआ की लड़की रूपा को उस कमरे में ले जाता है, वहां जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब रूपा इस बात से परेशान हो चुकी थी, रोज रोज तंग आ चुकी थी। रूपा अपने मामा के लड़के को गालियां देने लगती है और कहती है कि अब मैं ये बात सभी लोगों को बताऊंगी। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, रूपा के साथ वह जबरदस्ती संबंध बनाने के बाद उसको मार पीट करके वहां पर छोड़कर भाग जाता है, और उसे कहता है कि अगर तुमने किसी से भी कुछ कहा तो मैं तुम्हारी वीडियो सबको दिखा दूंगा। दोस्तों रूपा अब बार बार सहन करके बोर हो चुकी थी इस बात से, वह वापस रोती हुई अपने घर जाती है और अपनी मम्मी को और अपने पापा को इस घटना के बारे में बताती है। दोस्तों उसकी मम्मी जैसे ही यह बात सुनती है तो उसके पांव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसकी मम्मी और पापा पुलिस थाने में जाते हैं और वहाँ जाकर प्रीतम और उसकी बहन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस आती है, दोनों को पकड़ लेती है, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा दायर किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे रिश्ते हैं आजकल के ज़माने के, यानी कि कोई नहीं बहन को देख रहा है, नहीं कोई भाई को देखता है, और सिर्फ अपनी हवस को मिटाने में सारे के सारे लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या शिक्षा मिलती है इस घटना से, यहाँ पर हमें यही शिक्षा मिलती है कभी भी किसी का विश्वास इस तरह से ना करें। जैसे कि कुछ लोग आंख मूंद कर दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं तो यह बहुत ही गलत है। न जाने कब कौन कैसे किस तरह से धोखा दे जाए, इस बात की किसी को भी खबर नहीं होती है। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने आप को संभाल कर रखें और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जिएं। तो अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और किसी के ऊपर जल्दी से विश्वास ना करें, वरना विश्वास को टूटने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। जय हिंद, जय भारत।